दोस्तों अगर आप भी ग्लेन मैक्सवेल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रॉयल रेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच में खेले गए सांस रोक देने वाले इस मुकाबले में बाजी मारी विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, तो वहीं हार से बौखलाए पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा का बड़ा बयान सामने आया और बहुत ही भावुक बयान रहा वो, जिसमें उन्होंने अपनी टीम के टूर्नामेंट से बाहर होने पर शोक जताया। साथ ही ऐसे खिलाड़ियों को हार का जिम्मेदार बताया जिनके बारे में जानकर आप शायद दंग रह जाएंगे। चलिए बताते हैं आपको पूरे बयान के बारे में, आखिरकार प्रीति ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि पंजाब किस खिलाड़ी की वजह से इस मुकाबले में हारी है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में ये मुकाबला खेला गया शाहजहां के मैदान पर, जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी मुकाबले में काफी शानदार रही। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी करी। वहीं चार नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल ने इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और सिर्फ 33 गेंदों में 57 रन जोड़ दिए, जिसकी बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 164 रन तक पहुंचने में कामयाब रही। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की शुरुआत भी मुकाबले में काफी शानदार रही। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने पहले विकेट के लिए 51 रनों की साझेदारी करी और उसके बाद यह मुकाबला ऐसा पलटा कि पंजाब किंग्स की झोली में वापस ही नहीं आ सका। एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते रहे और मुकाबला अंतिम ओवर में जा चुका था। अब 6 गेंदों में 19 रन चाहिए थे जीत के लिए। आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले में 6 रन से जीत दर्ज कर ली थी। पंजाब किंग्स की टीम इस हार के साथ आईपीएल 2021 के टूर्नामेंट से भी बाहर हो चुकी है। लेकिन इसके बाद टीम की मालकिन प्रीति जिंटा का बड़ा बयान सामने आया। प्रीति ने अपने बयान में कहा कि हमारे लिए ये टूर्नामेंट से बाहर होना काफी दुखद है और मुझे लगता है कि टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दिया, क्योंकि शुरुआत इस मुकाबले में हमारी टीम की अच्छी रही थी। केएल राहुल ने रन भी बनाए थे लेकिन वो पारी के मिडिल ओवर्स में जिम्मेदारी से बल्लेबाजी नहीं कर पाए, जबकि केएल राहुल ये बात जानते थे कि टीम में वो कप्तान है और उनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपनी टीम को प्लेऑफ तक ले जाने की। लेकिन केएल राहुल अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने से चूक गए, जिसकी वजह से हमारी टीम को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा टीम की हार का मुख्य कारण ग्लेन मैक्सवेल की बल्लेबाजी रही। जब वो पंजाब किंग्स की टीम में थे तो वो इस तरह से बल्लेबाजी नहीं करते थे और उन्होंने जैसे ही बेंगलुरु की टीम को ज्वाइन किया उसके बाद तो उनमें अलग ही पावर देखी गई। मैक्सवेल ने इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश किया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच गई। अन्यथा जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने बेंगलुरु की टीम के ऊपर दबाव बनाया था, ऐसा लग रहा था कि 140 से लेकर 150 तक हम बेंगलुरु को रोक पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैक्सवेल की बल्लेबाजी ही रही जिसके कारण 15 से 20 रन आरसीबी ने ज्यादा बना दिए और यही रन हमारी टीम के ऊपर भारी पड़े, जबकि बल्लेबाजी में भी केएल राहुल और मयंक अग्रवाल के अलावा कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर कुछ बड़ा नहीं कर सका। अगर कोई एक बल्लेबाज भी मिडिल ओवर में जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेता तो यकीनन इस मुकाबले का परिणाम कुछ और हो सकता था। एडम मार्करम से काफी ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहे। तो दोस्तों जिस तरह से पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा ने टीम की हार का कारण बताते हुए केएल राहुल को जिम्मेदार ठहराया, वैसे आप सभी को क्या लगता है कि पंजाब किंग्स की टीम किसकी वजह से हारी है, केएल राहुल की बल्लेबाजी या कप्तानी या फिर किस खिलाड़ी की वजह से हारी है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।